बाढ़ कटाव और विस्थापित के मामले में कटिहार को रेड जोन माना जाता है। कोसी, महानंदा और गंगा नदी से सटे बाढ़ इस जिला के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए कटाव के कहर के कारण राजा से रंक बनने की कई कहानी इस जिला से है। फिलहाल बात बाढ़ से सबसे प्रभावित मनिहारी अनुमंडल की करते हैं, जहां नगर पंचायत में ही लगभग 3,000 से अधिक लोग गंगा नदी के कटाव से विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि नगर पंचायत अब इन लोगों को पुनर्वासित करने की प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है बाढ़ के कटाव से सब कुछ खो चुके लोगों की दर्द और मनिहारी नगर पंचायत इन विस्थापितों को स्थापित करने के लिए किस प्लानिंग पर कर रहे हैं काम पर कटाव पीड़ित और मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। कितना बड़ा समस्या है बाढ़ कटाव का और विस्थापित हम लोग का, ये समस्या जो है आज कम से कम 25 से 30 साल से है। ठीक, कहाँ पर थे हम लोग? मतलब कि पहले थे मेदिनीपुर और कुछ यहाँ से है, इधर दीरा पड़ता है, कौन कौन सा नाम नहीं आ रहा, टोपरा दीरा वगैरह सब बोलता है। और उसके बाद फिर हम लोग जब से यहाँ से आए हैं तो अभी तक हम लोग का कहीं भी सरकार कोई ज़मीन का बारे में नहीं चर्चा करे, हम लोग बहुत लिख पढ़ कर दिए हैं। लेकिन हम लोग अब चाहते हैं यही कि हमारी सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ पे जब भी बाढ़ पानी आता है तो हम लोग बहुत समस्या में फंस जाते हैं, तो अगर यहीं पे दे तो अच्छा है, नहीं तो फिर कहीं और भी दे, लेकिन जितने भी विस्थापित हैं उनको स्थापित करें। नगर पंचायत की तरफ से पहल किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है स्थापित करने के लिए, किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो देखिए आगे और अगर हो जाता है तो बहुत खुशी की बात और अच्छी बात है। हम लोग को घर से बेघर हो रहे, अभी भी कई घर यहाँ पे डूबे हुए हैं, जिसमें कि लोग ये बाढ़ पीड़ित के अभी पीड़ितों से ये जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, जिसमें कि मेरे भी घर अभी पानी में ही है। क्या नाम? मेरा नाम तारा कुमार। निहारी अनुमंडल बाढ़ और कटाव का रेड जोन है, अब नगर पंचायत तो पंचायत की तरफ से विस्थापित को स्थापित करने के प्रयास किया, क्या है पहल? हम लोगों के द्वारा, नगर के द्वारा अभी नगर विकास आवास पटना से एक लेटर जिला पदाधिकारी जी को 2017 में ही आया था। मेरे आने के बाद जो कटाव पीड़ित हैं, विस्थापित परिवार हैं, मनिहारी में हजारों की संख्या में लोग हैं, अभी जो आप देख रहे हैं ये सारे कटाव पीड़ित लोग हैं, इन लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोगों के द्वारा सरकार तक बात पहुंचा दिया गया है, ज़मीन भी देखा जा रहा है, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि बिहार सरकार का ज़मीन होना चाहिए। अगर बिहार सरकार का ज़मीन नहीं है, अगर पंचायत में भी सटा हुआ पंचायत अगर बिहार सरकार का ज़मीन है तो उसको यहाँ से हम लोगों के द्वारा भेजा जाएगा और नगर विकास से उसका आवंटन होगा, और हमको विश्वास है कि जल्द ही जो कटाव पीड़ित हैं, विस्थापित परिवार हैं, उसको हम स्थापित करने का। अभी अभी कहाँ पे आप निरीक्षण कर रहे थे? अभी हम लोग चरभा विद्यालय में कर रहे हैं, वार्ड नंबर 6 में। और कितनी बड़ी समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है मनिहारी अनुमंडल के लिए, और मनिहारी अनुमंडल ही नहीं, हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि पूरे कटिहार जिला में हजारों नहीं, अगर सही से अगर गणना किया जाए तो कई हजार विस्थापित परिवार हैं, हम चाहेंगे कि उन लोगों को भी स्थापित किया जाए, और जो कटाव होने के बाद जो लोगों को दर्द होता है उस दर्द को हम भी समझते हैं, तो हम चाहेंगे सरकार से कि हम लोगों का जो आवेदन जाए तो उसको रोका नहीं जाए और जल्द से जल्द इसको स्थापित करने का प्रयास किया जाए।